Hello my friends and hello my subscribers. My name is Sameer and it's my channel Cat SSC Concept Samiti. If you want to know more about my channel regarding the pattern of videos in which I would upload the further videos, the motto of the channel and what are the benefit of this channel, then you can watch the first introductory video. As I told you, I would be starting with the quant series first. So this is our first lecture, part 1, which is based on speed enhancement trick. And the main topic is get into quant so that you could get a feel of quant that yes, we are starting with the quant series. Before the starting of the lecture, there are some points that has to be noted by every student. First, keep a separate register and note down everything side by side. Once I write any question, just pause the video and try to solve it at your own on the behalf of the covered concepts. Third, after watching the video of any topic, practice the question of that topic from any competitive exam book. Fourth, watch all the lecture in order. Don't break the order, otherwise you will miss out something. It is especially for the newbies and it will really help them out to increase their efficiency while attempting the question. So now let's get started with our quant first lecture, part 1, which is based on speed enhancement tricks. Before starting of the lecture, there are some tips for the day that you have to do after attending the lecture. Please, आपको वो सारे points जो मैंने आपको अभी note कराए हैं वो follow करने हैं, rigorously follow करने हैं. हर एक question का concept समझने के बाद आप उसको किसी भी competitive exam की book से practice करिए. और अगर आपको concept मेरी video के through समझ में आ रहा है, तो जब मैं question कराऊं, तो उसको एक बार video pause करके खुद solve करने की कोशिश करिए. इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. सो इस लेक्चर के बाद आपको तीन काम करने हैं. फर्स्ट, प्लीज लर्न द स्क्वायर ऑफ नंबर टिल 25. सेकंड, लर्न क्यूब्स ऑफ नंबर टिल 25. एंड थर्ड, लर्न टेबल अप टू 20. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सो बिफोर फाइंडिंग दैट, लेट अस कवर सम स्क्वायर टिल 25. एक से नौ तक के स्क्वायर तो मुझ सबको पता ही होते हैं. 10 स्क्वायर से एक बार देख लेते हैं. 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361, 20 स्क्वायर इज 400, 21 स्क्वायर इज 441, 22 स्क्वायर इज 484, 23 स्क्वायर इज 529, 24 स्क्वायर इज 576 एंड 25 स्क्वायर इज 625. सो बेसिकली आपको ये सारे याद करने थे 25 तक के. अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 25 एंड 75. किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जो 25 एंड 75 के बीच में लाई करते हो. तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं किसी भी एक ऐसे नंबर का जो इनकी रेंज के अंदर लाई करते हैं, और वही सब नंबर पे अप्लाई होगा वही सेम कॉन्सेप्ट जो इस रेंज में लाई करेंगे. सो बेसिकली मैंने 26 ले लिया. 26 स्क्वायर फाइंड करना था मुझे. कन्वेंशनल मेथड सबको पता है, 26 से 26 मल्टीप्लाई कर दो. एक ऐसा मेथड होता है जो जल्दी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि हम स्पीड एनहेंसमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे हम स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने में. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपको ये रेंज गिवन हो 25 एंड 75 और नंबर उसकी रेंज के बीच का हो, तो हमेशा उसमें हम 50 का बेस ले लेते हैं. सो वी वुड टेक अ 50 का बेस फॉर रेंज 25 टू 75. एंड देन वट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम दिस 50 एंड वट एवर वी विल गेट वी विल स्क्वायर इट. एंड देन आफ्टर स्क्वायरिंग इट वी वुड गेट अ नंबर. सो हमको जो भी नंबर था, अगर मुझे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो मैं उसका रेंज देख लूंगा. रेंज के हिसाब से मैं 50 का बेस ले लूंगा, क्योंकि 25 एंड 75 तक की रेंज है, इसलिए मैंने 50 का बेस लिया है. फिर मैं 50 में से 26 को माइनस कर दूंगा. मेरे पास जो भी नंबर आएगा मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा. यहाँ पे 50 माइनस 26 24 आया, मैंने स्क्वायर कर दिया उसका 24 स्क्वायर. मुझे पता था 576 है, तो मैंने 576 लिख दिया. इसके बाद क्या करना है, जब भी हमारे पास स्क्वायर करने के बाद कुछ भी नंबर आएगा, उसकी लास्ट टू डिजिट मतलब यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस हम रिटेन करके अपने पास रख लेंगे, और जो लेफ्ट साइड में कुछ भी बचेगा
उसको हम सर्कल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5 बचा था, सर्कल कर दिया। इस 5 को हम यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम एडिशन के साथ, एक क्वांटिटी के साथ। वो क्वांटिटी कैसे आएगी? जो भी नंबर होगा उसमें से हम 25 माइनस कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट था, 26 में से 25 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 5 इज 6, तो जो लास्ट की 2 डिजिट रिटेन कर रखी थी वो वापस आ जाएंगी, तो 676 हो जाएगा 26² का आंसर जो यहाँ पर लिखा था। एक और बार समझ लेते हैं, जब भी ये रेंज होगी हम 50 का बेस लेंगे, नंबर जो भी गिवन होगा इस रेंज के बीच का उसको हम 50 से माइनस कर देंगे, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो भी हमारे पास स्क्वायर करके आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट हम अपने पास रख लेंगे, जो भी कुछ बचेगा यहाँ पर, चाहे कुछ भी बचे, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे और उसमें एक क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और वो क्वांटिटी आएगी जब मैं उस गिवन नंबर में से 25 माइनस कर दूंगा। यहाँ पर 26 में से 25 माइनस करने के बाद 1 आया, 1 + 5 इज 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्टेस्ट पोजिशन पर, और 76 जो रिटेन करके दिखी रखी थी लास्ट की 2 डिजिट वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो 26² इज 676। यहाँ पर एक चीज नोट देने वाली ये है जो आपको अब नोट्स में दिखेगी। ये नोट में मैंने लिखा है कि इन सिंगल स्क्वायरिंग केस द लास्ट 2 डिजिट अक्वायर्ड आफ्टर फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग विल ऑलवेज अपियर इन द आंसर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक सिंगल स्क्वायरिंग केस होगा, यहाँ पर एक ही बार स्क्वायरिंग करनी थी तो ये सिंगल स्क्वायरिंग केस था, तो जब हम लास्ट 2 डिजिट जो हमारी अक्वायर होगी आफ्टर फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग, सिंगल स्क्वायरिंग केस ये था, फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग हमने यहां पर करी, तो जो लास्ट 2 डिजिट इसके अंदर हमने जो रिटेन करी विल ऑलवेज अपियर इन द आंसर। जो हमने यहां पर रिटेन करी 76, वो जो आंसर आया था हमारा उसके अंदर भी रिटेन है, 76 यहां पर भी रिटेन है और वो यहां पर भी थी। तो मैंने इसमें केस में नोट के हिसाब से ये देखा कि अगर मेरे पास कोई सिंगल स्क्वायरिंग केस है तो जब भी मैं उसके प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू द बेस लेकर विद द हेल्प ऑफ रेंज, जब मैं फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करूंगा तो जब भी वो स्क्वायर करके हमारी लास्ट 2 डिजिट आएगी, वो लास्ट 2 डिजिट हमेशा आंसर में दिखती है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम आगे भी पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। तो इसको थोड़ा नोट को ध्यान से नोटिफाई कर लीजिए। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा विद द हेल्प ऑफ 25 एंड 75 के बीच के अंदर जो भी नंबर लाए करेंगे तो 50 का बेस ले लेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट हम इन नंबर पे लगाएंगे क्योंकि सारे नंबर 25 एंड 75 की रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या हम फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो 27 देखेंगे, 27 25 एंड 75 के बीच में लाई करेगा, तो इसमें 50 का बेस लूंगा, तो 50 का बेस लूंगा तो 50 में से 27 माइनस कर दूंगा, 50 में से 27 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 23, और जब मैं 23 का कर दूंगा स्क्वायर तो वो मेरे पास आ जाएगा 529। ओके, 529 आ जाएगा वो मेरे पास। मैं लास्ट 2 डिजिट रिटेन कर लूंगा और जो भी यहां पर बचेगी लेफ्टेस्ट डिजिट उसको मैं करूंगा एड अप एक ऐसी क्वांटिटी में जब मैं 27 में से 25 माइनस कर दूंगा। 27 - 25 इज 2, तो मैं यहां पर 2 लिख दूंगा, और 5 + 2 लिखकर मैं लिख दूंगा यहां पर 729। तो इतना आसान था स्क्वायर निकालना, इसका आंसर 729 हो गया हमारा। 27 स्क्वायर का आंसर 729। ऐसे ही फाइंड करते हैं 28 स्क्वायर के लिए। 28 स्क्वायर है, बेस 50 होगा क्योंकि लाई कर रहा है 25 एंड 75 के बीच में, 50 में से 28 को माइनस कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 22, 22 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 484। लास्ट 2 डिजिट मैं रिटेन कर लूंगा और 4 को एक ऐसी क्वांटिटी में ऐड करूंगा जो कि आएगी 28 में से 25 माइनस करके, दैट इज 3। 28 - 25 इज 3, सो हमारा 4 + 3 वुड बी 7, एंड जो 84 था वो मेरे पास वापस आ गया। वही नोट में वापस नोट करा देता हूँ कि जो लास्ट 2 डिजिट आई फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करने के बाद वो आंसर में भी आई, जो लास्ट 2 डिजिट आई फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करने के बाद वो आंसर में भी आई। ये थोड़ा लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हम आगे। 29 स्क्वायर के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, 50 में से 29 माइनस कर दूंगा, मेरा 21 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। 441 में लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट मैं रिटेन कर लूंगा, जो 4 होगा वो एक ऐसी क्वांटिटी में प्लस हो जाएगा जिसके आएगा जब मैं 25 माइनस कर दूंगा 29 से, एंड दैट इज नथिंग बट 4, तो ये आ जाएगा मेरा 841। सो ऐसे करते इट वुड बी अराउंड 225, इट वुड बी अराउंड 10, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1225। सिमिलरली हम सबका फाइंड कर लेंगे और हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। एक 47 का सॉल्व कर लेते हैं, 47 को 50 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3।
एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9, 3 3 जा 9। लेकिन हम कह रहे थे कि हमें लास्ट 2 डिजिट को रिटेन करना होता है, तो 9 के साथ एक और डिजिट ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी नथिंग बट 0। तो यही होगी लास्ट 2 डिजिट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में तो कोई डिजिट बची नहीं जिसको हम ऐड कर पाते कोई ऐसी क्वांटिटी में जो आता 47 में से 25 माइनस करने के बाद, तो उसको भी 0 ले लेंगे। तो 0 को ऐड करना था एक ऐसे नंबर में जो आएगा 25 माइनस करके 47 में से, एंड दैट विल बी नथिंग बट 22। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2209। इसको भी सॉल्व करते हैं, 48 को 48 को 50 में से माइनस कर देंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो लास्ट डिजिट के हिसाब से वो हो जाएगा 04। यहाँ पर लेफ्ट में कोई डिजिट बचेगी नहीं जो कि ऐड होती है ऐसी क्वांटिटी में जो कि आती 25 माइनस करने पर 48 में से, एंड 48 माइनस 25 इज नथिंग बट 23। तो ये हो जाता मेरा 2304। अगर रेंज होती हमारी 75 एंड 100 के बीच में तो कॉन्सेप्ट हो जाता हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 75 टू 100। और इसके अंदर हम नथिंग कुछ भी नहीं करेंगे, हम 100 का बेस ले लेंगे, बस टेक 100 एज अ बेस फॉर रेंज 75 टू 100। तो सपोज करते हैं मेरे पास अगर कोई एक एग्जांपल था 91 स्क्वायर, क्योंकि ये इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड एनहेंसमेंट। कैसे, इसका थोड़ा रूल उससे अलग है 50 वाले बेस से। क्या, पहले तो हमने 100 बेस लिया था, तो 100 में से उस नंबर गिवन नंबर को मैंने माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 9 का हमने कर दिया स्क्वायर तो आ गया 81। जो भी नंबर आया उसकी लास्ट डिजिट वापस मैंने रिटेन कर ली और अपने पास रख ली। अब यहां पर लेफ्ट में तो इसके कोई डिजिट थी नहीं जो कि ऐड होती यहां पर एक ऐसे नंबर में जो आता जो हमारा गिवन नंबर था उसमें से माइनस करते हमारे वो नंबर जो 100 में से उस नंबर को माइनस करके आया था 9। सो हमें यहां पर 91 में से 9 को माइनस करना था, 91 माइनस 9 इज 82। सिंस यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं था जो इसमें ऐड होता तो इसलिए 82 प्लस 0 इज 82, देयरफॉर 82 एंड 81 विल बी द आंसर। ये प्रोसेस इसमें ये था, देयरफॉर 91 स्क्वायर इज 8281। उसके अंदर हमने 50 के बेस में यहां थोड़ा हमने क्या करा था, गिवन नंबर में से 25 माइनस करा था, यहां पर गिवन नंबर में से वो नंबर माइनस करना है जो 100 में से वही सेम नंबर को माइनस करके आया था, दैट इज 9। सो आंसर इज 8281। यहां पर भी हम मैं वही नोट देखूंगा कि जो लास्ट टू डिजिट मैंने रिटेन करके रखी वो हमारे आंसर में भी रिटेन रही आंसर में भी। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 89 स्क्वायर। 89 स्क्वायर 100 में से 89 माइनस कर दूंगा क्योंकि 100 एज अ बेस लेना था मुझे, तो 100 माइनस 89 इज नथिंग बट 11। 11 कर दूंगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कर दूंगा आ जाएगा 121। 121 में लास्ट डिजिट इज 21 तो उसको रिटेन कर लूंगा, और जो बचा लेफ्ट में दैट इज 1 उसको ऐड कर दूंगा एक ऐसी क्वांटिटी में जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 11 89, दैट इज द गिवन नंबर। तो 89 में से 11 माइनस कर दिया, देयरफॉर 78 हो गया। 78 में मैं ये क्वांटिटी कर दूंगा एड अप तो 79 हो जाएगा, 79 और लास्ट की 2 डिजिट यहां पर भी आ गई, तो 79 एंड 21 इज द आंसर। यहां पर भी मैंने देखा कि लास्ट 2 डिजिट यहां पर रिटेन रही। 94 का स्क्वायर करते हैं, 100 में से 94 माइनस कर दूंगा क्योंकि 94 100 से इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि 100 का बेस लेना था, 94 लाए बिटवीन दिस रेंज, तो 100 माइनस 94 इज नथिंग बट 6, 6 का कर दूंगा स्क्वायर दैट इज 36, 36 इट इज द लास्ट 2 डिजिट, तो लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है तो 0 ले लेंगे और 0 ऐड हो जाएगा एक ऐसी क्वांटिटी में जो आएगा 94 में से 6 माइनस करने पर, तो 88, 88 प्लस 0 इज 88, देयरफॉर 8836, देयरफॉर 8836 इज द आंसर फॉर 94 स्क्वायर। और यहां पर भी मैंने वही सेम नोट देखा जो मैंने आपको दिखाया कि लास्ट 2 डिजिट आफ्टर फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग इन अ सिंगल स्क्वायर केस विल ऑलवेज अपियर इन द आंसर। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहा था कि आगे पढ़ेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि हमें फाइंड करने थे एक क्वेश्चन, फर्स्ट में फाइंड द लास्ट 2 डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 72 की पावर 8। मतलब 72 की पावर 8 क्या होगा, 72 को 8 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा मुझे उसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी थी। लास्ट 2 डिजिट निकालनी थी। मैंने तो ये पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट ना निकालते हैं हम तो हम क्या करते हैं 50 का बेस ले लेते हैं या फिर 100 का बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि
कि 72 लाए अंडर द रेंज ऑफ 25 to 75। तो यहां तो मुझे ये पता है 50 का बेस तो लगना है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि उसके लिए सिंगल स्क्वायरिंग केस होना चाहिए। यहां पर तो 8 है, तो मुझे इसको सिंगल स्क्वायरिंग केस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 72 की पावर 8 को कन्वर्ट कर दिया मैंने सिंगल स्क्वायर केस के अंदर, जिसके अंदर मैंने 2 लेकर आ गया यहां पर, और 8 को मैंने लिख सकता था 2 into 4, तो मैंने 72 की पावर 2 into 4 कर दिया। दैट इज नथिंग बट 72 की पावर 8, तो बस कन्वर्ट कर दिया है सिंगल स्क्वायरिंग केस में। और अब मैं इस सिंगल स्क्वायरिंग केस को सॉल्व करूंगा और ये वाले 4 की बात बाद में करूंगा। तो सिर्फ ये वाला सिंगल स्क्वायरिंग केस हम सॉल्व करते हैं। पता था 50 का बेस है, रेंज क्योंकि 25 to 75 के बीच में लाई कर रही है, तो क्या करूंगा 72 में से 50 माइनस कर दूंगा, जो भी आएगा नंबर 22 आया उसका मैं कर दूंगा फर्स्ट टाइम स्क्वायर, तो 484 आ गया। जो भी नंबर आया उसकी लास्ट टू डिजिट रख लूंगा अपने पास, और जो भी नंबर बचा उसको ऐड कर दूंगा एक ऐसी क्वांटिटी में जो कि आएगी 25 माइनस करने पर गिवन नंबर में से। तो 72 माइनस 25 इज 47, 47 प्लस 4 इज 51, और 51 के साथ जुड़ जाएगी हमारी लास्ट टू डिजिट, दैट इज नथिंग बट 5184। और हमने देखा जो स्क्वायरिंग करने के बाद, फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करने के बाद लास्ट टू डिजिट थी वो आंसर में भी रिपीट हुई। तो 72 की पावर 2 दैट इज 72 स्क्वायर इज 5184, तो हम अब लिख सकते हैं इसको 5184, और मैंने 5184 और ये जो 4 बचा था अब मैंने यहां लिख दिया। अब एक चीज और, क्योंकि हमें जब भी लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि हम सिंगल स्क्वायरिंग केस की बात करते हैं, तो इसको भी सिंगल स्क्वायरिंग केस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5184 इंटू 2 की पावर, 5184 की पावर स्क्वायर इंटू 2 हो गया, क्योंकि 4 इज 2 into 2। अब जब भी हम लास्ट टू डिजिट की कैलकुलेशन में हम क्वेश्चन में भी लास्ट टू डिजिट ही कंसिडर करते हैं, डेट इज इधर 50 का बेस और 100 का बेस। हमने लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि या तो हम 50 का बेस कंसिडर कर लेते हैं या फिर 100 का बेस कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा नंबर चुनते हैं जो कि 50 वाली बेस की रेंज में आ जाए या फिर 100 वाली बेस की रेंज में आ जाए। ये तो ना 50 वाली रेंज में आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 25 to 75 के बीच में आ रहा है नंबर, और ना ही ये नंबर आ रहा है हमारा 75 to 100 की रेंज के बीच में। तो अब इस नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन में भी लास्ट टू डिजिट ही कंसिडर करते हैं। तो 5184 की पावर 4 विल नथिंग बट कन्वर्ट इनटू अ सिंगल स्क्वायरिंग केस वेयर 5184 स्क्वायर विल मल्टीप्लाई इनटू 2 एंड वी वुड कंसिडर ओनली द लास्ट टू डिजिट इन द क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट 84। सो हमने 84 स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर दिया। ओके, क्वेश्चन में भी हम लास्ट टू डिजिट ही कंसिडर करेंगे फाइंड आउट करते वक्त भी। तो ये कन्वर्ट हो गया 84 की पावर 2 into 2। अब मुझे पता है कि 84 तो 100 के बेस में, क्योंकि रेंज लाई कर रही है 75 to 100 के बीच में, तो यहां पर अब मैं 100 वाला रूल लगाऊंगा, 100 में से 84 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 16, उसकी कर दूंगा स्क्वायरिंग तो आ जाएगा 256, और उसके बाद 56 दैट इज द लास्ट डिजिट उसको मैं कर लूंगा रिटेन, और जो भी लेफ्ट बचा उसको एक ऐसे नंबर में एड अप कर दूंगा जो आएगा गिवन नंबर में से, वो नंबर माइनस करने के बाद जो आया था 100 में से उसी गिवन नंबर को माइनस करने के बाद, दैट इज 16। तो 84 माइनस 16 इज 68, एंड 68 प्लस 2 इज 70, एंड देयरफॉर 70 एंड द लास्ट टू डिजिट इज 56, देयरफॉर 84 स्क्वायर इज 7056। तो मैंने 84 स्क्वायर और कैलकुलेट कर दिया, दैट इज नथिंग बट 7056। अब मुझे कैलकुलेट करना था 7056 की पावर 2, जो ये 2 बचा था यहां पर, तो अब मैं उसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ओके, तो 70562 की पावर 2, मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन में भी लास्ट टू डिजिट कंसिडर करते हैं, तो 56 लास्ट टू डिजिट थी इसमें, तो 56 का स्क्वायर कर लेंगे, 56 लाए इन द रेंज ऑफ 25 to 75, देयरफॉर 50 का बेस ले लेंगे, 56 में से 50 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, 6 की कर देंगे स्क्वायरिंग तो आ जाएगा 36, 36 इज नथिंग बट द लास्ट टू डिजिट, तो हम इसको रिटेन कर लेंगे, लेफ्ट में कोई है नहीं तो 0 ले लेंगे, और 0 ऐसे क्वांटिटी में ऐड कर देंगे जो कि आएगा 56 में से 25 माइनस करके, देयरफॉर 31 प्लस 0
इज 31 एंड देयरफॉर 3136 इज द आंसर फॉर 56 स्क्वायर। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं क्योंकि 3136 के अंदर लास्ट टू डिजिट 36 आई है तो मेरा आंसर वुड बी 36, बिकॉज इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लास्ट टू डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 72 रेज टू पावर 8। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है जो अब आप सब देखेंगे, वो क्या, जब मैंने 72 की पावर 8 लिया तो मैंने उसको सिंगल स्क्वायरिंग केस में ब्रेक कर लिया, ओके। बेस की रेंज की वजह से मैंने बेस का फॉर्मूला लगाया, लेकिन जब मैंने बेस का फॉर्मूला लगाया तो मैंने देखा कि लास्ट टू डिजिट जो आई फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करने के बाद, वो तो आंसर हमें पहले ही आ गई थी, और उसके बाद जब मैंने फर्दर कैलकुलेशन करी तो मैंने 51 का तो यूज करा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो हमें लास्ट टू डिजिट ही कंसिडर करनी थी, तो मुझे ये 51 निकालने का फायदा तो हुआ नहीं कुछ, तो मैंने 51 क्यों निकाली और टाइम वेस्ट क्यों करा। तो मुझे 51 की बात ही नहीं करनी थी, मुझे तो बस जो फर्स्ट टाइम स्क्वायर करके आया उसी का स्क्वायर करना था, तो मुझे 51 की जरूरत तो थी नहीं, तो मुझे 51 की जरूरत तो थी नहीं। सो मैंने 84 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन जिस हिसाब से हम चल रहे थे। फिर 84 का जब मैंने स्क्वायर की बात करी तो मैंने 100 का बेस ले लिया रेंज के हिसाब से, और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैंने 100 में से 84 माइनस कर दिया 16 और उसका स्क्वायर करा 256, तो लास्ट टू डिजिट तो वही आंसर में हमारी आई 56 56। तो ये 70 था, इसको कैलकुलेट करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि जब मैंने 7056 का होल स्क्वायर लिखा तो मैंने 70 तो कंसिडर करा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन में लास्ट टू डिजिट कंसिडर करनी थी। तो मेरे हिसाब से मुझे ये वाली 70 कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, ये 51 की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे बस ये करना था कि 72 का मुझे बेस देखना था, उसको सिंगल स्क्वायरिंग केस में चेंज करना था, और जो भी मेरा 72 में से 50 में से माइनस करके आता उसका स्क्वायर करता, लास्ट डिजिट का रख लेता रिटेन करके, वही लास्ट डिजिट अपीयर होती अगली एक्सपेंशन में, क्योंकि 4 बचा था अगली एक्सपेंशन में, तो मैंने स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 कर दिया। अब 84 का बेस देख लिया 100 था, तो 100 में से 84 माइनस कर दिया और 16 जो बचा उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मुझे ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी 70 वाली, मुझे बस 56 का स्क्वायर करना था, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 बचा था, तो 56 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे करते करते जो भी लास्ट में मेरा 36 आया और एक्सपेंशन जब कंप्लीट हो गया तो मेरा तो आंसर 36 ही होना था तब भी, तो यहां पर 31 की कैलकुलेशन करना भी बेकार था। तो ये हम जब अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम 51 टाइप, 70 टाइप एंड 31 टाइप की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा बेस में से माइनस करके स्क्वायर करेंगे और एक्सपेंशन को फर्दर बढ़ाएंगे। ऐसा हम अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द लास्ट टू डिजिट इन 167 रेज टू पावर 4। अब मुझे पता है 167 रेज टू पावर 4 है, सो बेसिकली मुझे इसको सिंगल स्क्वायरिंग केस में तो कन्वर्ट करना था और क्वेश्चन में भी लास्ट टू डिजिट ही कंसिडर करनी थी, तो इट विल बी नथिंग बट 67 रेज टू पावर 4, एंड 67 रेज टू पावर 4 इज नथिंग बट 67 स्क्वायर इनटू स्क्वायर, एंड आई नो दैट 67 लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 75 टू 75, देयरफॉर द बेस वुड बी 50। 67 में से 50 माइनस कर देंगे तो वट वुड बी द आंसर, 17, एंड 17 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 289 में से लास्ट टू डिजिट ही तो रखनी थी, तो मेरी लास्ट टू डिजिट आ जाएगी 89, मतलब 67 स्क्वायर के अंदर लास्ट टू डिजिट वुड बी 89, और ये वाला स्क्वायर मेरे पास बचा हुआ था तो इसकी भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। 89 लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 75 टू 100, देयरफॉर 100 वुड बी द बेस, एंड मैं 100 में से 89 माइनस कर दूंगा तो व्हाट वुड बी द आंसर, 11, एंड 11 का स्क्वायर इज नथिंग बट 121, और 121 में लास्ट टू डिजिट इज 21, तो मेरा आंसर इज 21। तो 167 रेज टू पावर 4 में लास्ट टू डिजिट इज 21। सपोज करते हैं 72 रेज टू पावर 8 जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते, सीधा सीधा हम 72 रेज टू पावर 2 इंटू 4 कर देते, इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा बेस, 50 का बेस, पता है ना कैसे, 50 का बेस 50 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 484, तो बचेगा क्या 84, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, बचा क्या 4, 84 के पावर 4 को मैं सिंगल स्क्वायरिंग केस में करूंगा तो 84 2 इंटू 2 लिख दूंगा, 84 कौन सी रेंज में लाई करेगा,
100 के बेस वाली में 100 में से माइनस कर देते 84, तो क्या बच जाएगा 16। 16 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 256। 256 में लास्ट डिजिट क्या होती है 56, तो 56 हो गया। 56 का स्क्वायर कर देते हैं जो कि स्क्वायर बचा था, 56 कौन सी बेस में लाई करता है 50 वाले में, 56 में से 50 माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लास्ट डिजिट 36। तो वो जो पुराना मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इतना बड़ा, वो एक लाइन में भी सॉल्व हो सकता था और दिमाग में भी सॉल्व हो सकता था 36। देयरफॉर ये एक स्पीड एनहांसमेंट की लेक्चर है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एज इट्स लास्ट डिजिट। कोई भी ऐसा नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसके लास्ट में 5 डिजिट नंबर आ रहा है, लाइक 85, लाइक 75, लाइक 65। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया 85 के स्क्वायर का, तो ये जो भी 5 है ना इसको रिटेन कर लो और 5 की डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दे, 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। और जो भी नंबर बचा हमारा लेफ्ट में उसको हम कंसिडर कर लेंगे एज अ एन और फॉर्मूला लगा देंगे एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। कंसिडर क्या करा था, 5 को छोड़ के जो भी बचा वो हमने n कंसिडर कर लिया था, 8 बचा था तो 8 को n कंसिडर कर लिया, तो फॉर्मूले के हिसाब से 8 इंटू 8 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 9 एंड दैट इज नथिंग बट 72। तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 एंड 25, देयरफॉर 85 स्क्वायर इज नथिंग बट 7225। एक और एग्जांपल देखते हैं, 225 का होल स्क्वायर, लास्ट डिजिट 5 की डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देंगे, 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25, और जो भी नंबर बचा लेफ्ट में उसको n इंटू एन प्लस वन की फॉर्म में लिख देंगे, तो 22 इंटू 22 प्लस वन दैट इज नथिंग बट 22 इंटू 23 एंड दैट इज नथिंग बट 506। देयरफॉर आंसर वुड बी 50625 इज इक्वल्स टू 225 का होल स्क्वायर। एक फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमें सम फाइंड करना है अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल n, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमको सम कैलकुलेट कर देगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो सपोज करते हैं कि हमको सम फाइंड करना था इसका, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और ये मुझे पता है ये तो सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो कितने नंबर की बात कर रहा है फर्स्ट 10 की, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे, दैट इज नथिंग बट 55। सिक्स चीज की बात करते हैं जो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, हमें अगर किसी भी फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर की बात करनी है तो उसमें फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन। सो क्वेश्चन अगर होता हमारे पास फोर्थ, दैट इज सम ऑफ अगर फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर निकालने, मतलब 2, 2, 4, 6, 8 डैश 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 जब भी खत्म होंगे हमारे 40 इवन नेचुरल नंबर, तो कितना होगा उसका आंसर, उसका फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन। 40 की बात करें 40 प्लस वन दैट इज नथिंग बट 40 इंटू 41 दैट इज इक्वल टू 1640।